कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की जेवर पुलिस ने बीते दिनों जेवर क्षेत्र में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। एक सूचना के आधार पर छापेमारी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए 5 लोगों को जेल भेज दिया है। साथ ही उन लोगों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है जिन लोगों को यहां से हथियार सप्लाई किए जाते थे। थाना जेवर में एक अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इनको जेल भेजा जा रहा है। सबसे पहले 4 अभियुक्त स्विफ्ट गाड़ी के साथ 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए। इनसे जब गहन पूछताछ टीम के द्वारा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जेवर खादर में रहने वाला जगबीर ये असलाह बनाने का काम करता है और ये लोग उस असलहे को लेकर के सप्लाई का काम करते हैं और जगह जगह बेचते हैं। इस आधार पर वहां पे टीम ने जाकर के दबिश दी। उसके दौरान वहां पे पिस्टल, 7 तमंचे, 2 पिस्टल, 4 अधभरे तमंचे, कारतूस बनाने के उपकरण, तमंचे की नाल, ये काफी मात्रा में चीजें बरामद हुई हैं, उपकरण बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। बीते दिनों एक सूचना के आधार पर पुलिस ने जहांगीरपुर निवासी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिनके पास से हथियार बरामद किए गए थे। उन्हीं से पूछताछ के दौरान पता चला कि जेवर खादर में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है तथा अवैध हथियार तैयार करके सप्लाई करके करने का कार्य चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारकर अग्रिम कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए युवकों ने हथियार सप्लाई की बात बोली है तथा पिस्टल की कीमत 38,000 रुपए में बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब उन लोगों की हिस्ट्री खंगाल रही है जिन लोगों को यहां से यह अवैध हथियार सप्लाई किए जाते थे। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।